रोहतास में एक मेडिकल दुकान में प्रतिबंधित दवाई बेचने से नाराज लोगों ने दुकान पर पहुंच जमकर हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने आरोपी दुकानदार को हवाले कर दिया है, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना डेहरी इलाके के जखी बिघा की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जखी बिघा स्थित पप्पू मेडिकल दुकान में नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ दुकानदार प्रतिबंधित दवा जो कि नशे के इस्तेमाल में लाया जा रहा था उसकी बिक्री कर रहा था। इसकी जानकारी पीड़ित लड़कों के अभिभावकों को लगी तो वो दुकान पर पहुंच गए। दुकान पर युवकों की भीड़ देखकर लोगों को शंका हुई। काफी संख्या में लोग दुकान पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। आरोप था कि यहां नशे के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली दवाइयां युवाओं को बेची जाती हैं। यह कारोबार शहर के नील कोठी इस्लामगंज के साथ साथ इलाके में पिछले कई महीनों से धड़ल्ले से चल रहा है। कहा जाता है कि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को है पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दवा दुकानदार पप्पू कुमार को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। SHO सुबोध कुमार के मुताबिक पुलिस ड्रग विभाग से संपर्क कर रही है। विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट मिलते ही सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अपन बिहार। से लौट के हम जा रहे थे देखा कि कुछ नौजवान लड़के यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। हम अपने स्कूटी को स्लो कर दिए। स्लो करने के बाद हम देखे कि लड़के भागने लगे। हम बोला क्या मामला है भाई, भाग काहे रहा है। जब अंदर गए तो देख रहे हैं कि सब लड़के छिपे हुए हैं और नशा का टेबलेट ये बेच रहा है और नशा का सिरप जो बैंडेड है। और इसके मामले में हम डॉक्टर उदय साहब से भी बात किए थे इस दवा के बारे में। इस दवा का नाम नाइट्रोजन 10 है और नाइट्रोजन 10 बिल्कुल मना है बेचना। डॉक्टर साहब बोले कि पूरा दिमाग पर अटैक करता है और एक टैबलेट खाने से कम 3 दिन अच्छा आदमी सोया रहेगा। और ये धड़ेले से पूरे जनरेशन को ख़राब कर रहा है। पूरे जक्की बिघा, नीलकोठी, ईदगाह मोहल्ला, इस्लामगंज, स्टेशन रोड जितने स्टूडेंट हैं सब इस दवा को खा के बर्बाद हो रहे हैं और गार्जियन को परेशान की हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहजाद खान पड़ेगा। हम वही दवाई बेच रहा है अब सब खराब किए हुआ पूरा माहौल। जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाकू चल रहा है पूरा डिहरी ऑनसोन में, सब इसी के चक्कर में हो रहा है। क्योंकि दारू सर अब तो चल नहीं रहा है, बस यही चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असद हुआ।